नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट के ऊपर, जिसका नाम है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में अपनी यूनिट नंबर सेकंड हम देख रहे थे, यूनिट नंबर सेकंड के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है ग्रुप होमोमोरफिज्म यानी कि ग्रुप समाकारिता। तो दोस्तों, चर्चा कर रहे थे अपन अपने ग्रुप समाकारिता के ऊपर, और लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर चर्चा की थी। उससे पहले अपन ने डेफिनेशंस वगैरह, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह ये करके देखे थे। ग्रुप समाकारिता में कर्नेल देखा था, यानी कि समूह की अष्टि देखी थी, जो अपन ने लास्ट क्लास या उससे पहले वाली क्लास में जब भी की हो। तो जो मैटर आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर कुछ, तो मैं एक सलाह यही देना चाहूँगा कि आप शुरुआत वाले पूरे लेक्चर देखें। जो ग्रुप थ्योरी के जितने भी लेक्चर हैं वो पूरे सीरियल वाइज देखें, एक भी लेक्चर आप मिस ना करें। ये ना सोचें कि इसमें क्वेश्चन है मैं इसको खुद कर लूँगा, ये नहीं होना चाहिए। पूरे लेक्चर देखो, क्योंकि हर एक लेक्चर में कोई ना कोई नई चीज़ आपको मिल ही जाएगी, और सारी की सारी चीज़ें रिलेट करती है। इसीलिए हम पूरा पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ काम में आती है पीछे की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ग्रुप का पार्ट पढ़ा था, उसके बाद उसमें परम्यूटेशन पढ़ा था। परम्यूटेशन ग्रुप भी पूरा ग्रुप के जैसे ही था। उसके बाद हमने सब ग्रुप पढ़ा, अब हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, मतलब पूरी की पूरी बुक में ये ग्रुप तो चल ही रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ग्रुप पढ़ने के लिए पूरी ग्रुप थ्योरी हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने उसका विस्तार से काफ़ी अच्छी तरीके से विश्लेषण किया था, उसका एनालिसिस किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट सभी क्लासे अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, और किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्याएँ नहीं आ रही है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम की हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है केले थ्योरम। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे केले थ्योरम के ऊपर, ठीक है। काफ़ी अच्छी थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो अपनी थ्योरम है केलेज थ्योरम। केलेज थ्योरम, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप, ठीक है, हर एक परिमित ग्रुप की बात कर रहा है, वो किसी क्रमचय ग्रुप, मतलब कोई क्रमचय ग्रुप आपको दिया हुआ है उसके तुल्यकारी होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं पूरा मैटर आपको अपने ऐप के ऊपर अच्छी तरीके से वेल एक्सप्लेन्ड और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से हमें अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाता है। ठीक है, पीछे वाली जो यूनिट हमने पूरी पढ़ी उसके पूरे के पूरे 25 या 26 जितने भी लेक्चर हैं वो आपको सारे मिलेंगे। इस यूनिट के आपको स्टेटमेंट, सॉरी, जो आपके लेक्चर वाइज हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। वहाँ क्लासें आपकी रोज चलती है, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ की, ये क्लासें वहाँ कंटिन्यू रूप से आपकी चल रही है, एक भी क्लास मिस नहीं होती। और एक चीज़ और यार, इतना सिलेबस, ठीक है, जो आप कहीं किसी कोचिंग में या किसी और प्लेटफॉर्म पर जहाँ आप 8-8, 10-10 हज़ार रुपये, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये दे आते हो, ठीक है, या ऑनलाइन भी 3-4 हज़ार रुपये आप दे देते हो, ठीक है, वो भी आपको इतना सिलेबस नहीं दे पाते, इतना नहीं कवर कर पाते जितना हम कवर कर रहे हैं आपके लिए। वो भी पूरा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 99 रुपये
एक प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज है, जो इसका खर्चा है, जो ऐप का जो मेंटेनेंस चार्ज है, वेबसाइट का जो मेंटेनेंस चार्ज है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है, ये सारे चार्ज ही मिला के 99 रुपये होते हैं। 99 से तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 100 के आसपास होते हैं, जो हम अपनी तरफ से आपके लिए दे रहे हैं। मतलब कहने की बात है कि इतने पैसे आप कहीं और दे आते हो, ठीक है, मतलब किसी कोचिंग में जाके आप इतने मैटर नहीं पढ़ पाओगे जितना, क्योंकि ग्रुप थ्योरी मान लो जैसे मैंने पूरा किया है, ठीक है, ए टू जेड पूरा कवर किया है, इतना मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं करवाया जाता, ठीक है, क्योंकि उसमें मोस्ट मोटा मोटा पार्ट करवाया जाता है, ए टू जेड चीज़ें हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक अपना ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ आपकी टोटल क्लासेस चल रही हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की कंटिन्यू रूप से, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। जैसे ही आप 99 रुपये वहाँ पे कर देते हो, आप अपने आप उस बैच में ज्वाइन हो जाओगे, उसको ओपन करो, उसके वीडियो देख सकते हो आप, पहले की जितनी भी क्लासें हैं वो सारी आपको सेव मिलेगी, रोज़ क्लासें वहाँ आती है, जब चाहे तब चाहे जितनी बार चाहे आप उन क्लासों को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मुद्दा यही है कि कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा कोर्स है, ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बैच ज्वाइन करना है, क्लासें अपनी कंटिन्यू रूप से लेनी है। तो करते हैं इसका प्रूफ, आते हैं अपनी इस थ्योरम के प्रूफ पे। केले का प्रमेय का थ्योरम है, ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप के साथ दिया हुआ है, हमें फाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है आइसोमोर्फिक फॉर सम परम्यूटेशन ग्रुप्स। आइसोमोर्फिक का मतलब क्या होता है, ये तुल्यकारी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तुल्यकारी बोल रहा है साहब, ठीक है, किसके, परम्यूटेशन ग्रुप के। तो इसमें एक चीज देखना, तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए हम तीन चीजें प्रूफ करेंगे, एक एक ही प्रूफ करेंगे, आच्छादक दिखाएंगे, और नंबर तीन पे क्या दिखाएंगे हम, इसको समाकारिता दिखाएंगे। ये तीन चीजें हमें इसमें दिखानी है, ठीक है। और सबसे पहले हमें एक ग्रुप लेना है, उसको परम्यूटेशन भी दिखाना है, ठीक है, वो ग्रुप परम्यूटेशन भी होना चाहिए। मतलब इसके लिए हमें परम्यूटेशन के लिए क्या दिखाया था, एक के की और आच्छादक। मतलब परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में आपको मैंने क्या बताया था, ये तो 1-1 बोलते हैं इसको, ऑन टू और होमोमोर्फिज्म। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है, और ये दो चीजें हमें पहले ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप के लिए दिखानी है, एक एक ही और आच्छादक, उसके बाद हम ये तीनों चीज और दिखाएंगे, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि सर ये भी दिखा रहे हो, ये भी दिखा रहे हो, मतलब क्या हुआ, अरे ये हम परम्यूटेशन ग्रुप के लिए दिखाएंगे, ठीक है, ये हम परम्यूटेशन ग्रुप के लिए दिखाएंगे, ये हम जो फाइनाइट ग्रुप लेके चलेंगे उसके लिए दिखाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग केस में अलग अलग कंडीशन हम लेकर चलेंगे इसमें। तो देखो, परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, कि एफ कोई प्रतिचित्रण है जी से जी डेस के ऊपर, मतलब ये कोई इमेज है, अगर ये इमेज मेरी एक के की आच्छादक है तो ये ग्रुप कैसा कहलाएगा, जी और जी डेस क्या है, मेरे ग्रुप है, जी और जी डेस मेरे क्या है, ग्रुप है। अगर कोई इमेज जी से जी डेस पर परिभाषित है और वो इमेज एक के की आच्छादक है तो वो मेरा ग्रुप कैसा होगा, परम्यूटेशन ग्रुप होगा। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। अब करते हैं हम इसका प्रूफ, प्रूफ करेंगे इसका। तो प्रूफ में हमें सबसे पहले मैं ले लेता हूं, जी स्टार एक परिमित ग्रुप है, माना जी स्टार एक परिमित ग्रुप है। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ये एक परिमित ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है, जिसको मैंने क्या माना है, जी स्टार माना है, तथा इसकी कोटि में एन मान लेता हूं, तथा इसकी कोटि स्मॉल एन है। मैंने क्या माना, जी स्टार मेरे पास एक परिमित ग्रुप है जिसकी कोटि एन है, तथा मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, तथा ए बिलोंग्स टू जी के संगत एक प्रतिचित्रण ले रहा हूं मैं, प्रतिचित्रण, ठीक है, यानी ये एफ जी से जी के ऊपर, मतलब मैं इस जी को जी के ऊपर ही ले रहा हूं, मतलब स्वयं से स्वयं के ऊपर ही ले रहा हूं, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये एफ
ए ले लो, क्योंकि एक के संगत ले रहा हूं प्रतिचित्रण, तो एफ ए बराबर, और ये मैं किस प्रकार से ले रहा हूं ये भी देख लेना आप, एफ ए एक्स बराबर ए स्टार एक्स, जो इस प्रकार से है एफ ए एक्स बराबर ए स्टार एक्स, इस प्रकार से मैं ये प्रतिचित्रण ले रहा हूं। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि हमें कुछ ना कुछ लेकर चलना होगा। मैं जो इमेज है जी से जी के ऊपर, मतलब स्वयं से स्वयं के ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, किसके संगत, इस एक के संगत, यानी कि एफ ए जी से जी के ऊपर, जो किस प्रकार है मेरी एफ ए एक्स बराबर ए स्टार एक्स है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब हमें इस एफ ए को एक ए की ओर आच्छादक दिखाना है। अब हमें एफ ए को एक ए की व आच्छादक दिखाना है। ये एफ ए है मेरा, इसको कैसा दिखाना है कि ये एक एक की आच्छादक है, एक एक की आच्छादक है, तो मैं क्या कहूंगा, ये प्रतिचित्रण, ये ग्रुप मेरा कैसा है, परम्यूटेशन ग्रुप है, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसके लिए मैं मान लेता हूं, सबसे पहले नंबर एक में एक एक की प्रूफ करूंगा, ठीक है, नंबर एक में एक एक की प्रूफ करूंगा। तो माना एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, जी के कोई दो एलिमेंट ले रहा हूं एक्स और वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तब मैं लेकर चलूंगा एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई, ये कंडीशन में लेकर चलूंगा, और मुझे दिखाना क्या है, एक्स बराबर वाई दिखाना है। अगर मैं ये कंडीशन शो कर देता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि ये कैसा है, एक एक ही है, तो मैं ये लेकर चल रहा हूं। तो इस एफ ए एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से ए स्टार एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। क्लियर, इसी प्रकार एफ ए वाई, यहां वाई आएगा तो यहां भी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, मतलब ए स्टार वाई। अब बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, मैं क्या कह सकता हूं, एक्स बराबर वाई, अतः एफ ए कैसा है मेरा, एक एक ही है, अतः एफ ए एक एक ही है। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं हम आच्छादक की तरफ, आगे हम बढ़ेंगे आच्छादक की तरफ। अब हम एक चीज जानते हैं कि हमें जी कैसा दिया हुआ है, एक परिमित ग्रुप दिया हुआ है, और ये स्वयं से स्वयं के ऊपर परिभाषित हो रहा है। ये चीज भी आपको दिख रही होगी, जी से जी के ऊपर परिभाषित हो रहा है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि ये अगर एक के की है तो ये कैसा होगा, आच्छादक भी होगा। देखो, सिंस जी में एन अवयव है, या ये कह सकता हूं परिमित है, क्योंकि मैंने माना है इसकी कोटि एन है। ग्रुप की कोटि क्या होती है, ग्रुप में अवयवों की संख्या ही उसकी क्या होती है, कोटि है, अर्थात कोटि एन है तो उसमें अवयव भी कितने हैं, एन है। सिंस जी में एन अवयव है तथा यह स्वयं से स्वयं पर, स्वयं से स्वयं यानी कि एफ जी से जी स्वयं पर परिभाषित है, स्वयं से स्वयं पर परिभाषित है तथा एक एक ही है, अतः यह आच्छादक भी होगा। ये चीज आज तक आप सभी पढ़ते आए हो, फंक्शन के अंदर भी पढ़ा है आपने, ठीक है, कि अगर कोई फलन स्वयं से स्वयं पर, ठीक है, अगर कोई स्वयं से स्वयं पर परिभाषित हो रहा है और वो एक एक ही दिया हुआ है हमें, तो वो आच्छादक भी होगा, अगर वो कैसा है, फाइनाइट है। ये चीज हमने पढ़ी है आज तक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हमने काम में लिया है कि जी में एन अवयव है तथा ये स्वयं से स्वयं पर परिभाषित है और साथ ही एक एक ही भी है, अतः ये कैसा होगा, आच्छादक भी होगा। तो मैं यहां से इस कंडीशन से मैं क्या कह सकता हूं कि साहब मेरा जो एफ ए है, ठीक है, ये कैसा है, एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण है। ये चीज समझ में आई होगी। तो लास्ट में ये लाइन आप जरूर लिखें कि अतः एफ ए कैसा है, एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण है। ये चीज समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को। आगे अब हम चलते हैं और मैं बात करता हूं, अतः स्पष्ट है कि एफ ए एक जी का क्रमचय है, अतः एफ ए
जी का एक क्रमचय है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, क्रमचय के लिए हमने एफ ए को एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण दिखा दिया। तो आगे देखना, यहां से एक चीज आप देखो, एफ ए कैसा हो गया मेरा, जी का एक क्रमचय हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक क्रमचय ले रहा हूं, ठीक है, एक क्रमचय में जी डैश ले रहा हूं। तो देखना, यदि जी डैश बराबर एफ ए, ठीक है, जी डैश बराबर एफ ए, ए बिलोंग्स टू जी, क्रमचय का समूह है, ठीक है, ये क्या है, एक क्रमचय का समूह है। अब मैं एक फंक्शन और लेता हूं फाई, ठीक है, अब मैं एक फंक्शन और लेता हूं फाई। तो देखना, अब एक प्रतिचित्रण, अब एक मैपिंग ले रहा हूं, अब एक मैपिंग फाई इस प्रकार परिभाषित करते हैं, इस प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक है, मैं एक मैपिंग और ले रहा हूं, कैसी फाई, उसको मुझे इस प्रकार लेना है कि फाई मेरा जो है वो जी से जी डैश पर है। फाई कैसा है मेरा, जी से जी डैश पर है, ये चीज समझ में आई होगी। और जो मैं किस प्रकार से ले रहा हूं, सच दैट फाई ए बराबर एफ ए, इस प्रकार से मैं ये ले रहा हूं। अब हमें क्या दिखाना है, इस फाई को मुझे तुल्यकारी दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना फाई को अब तुल्यकारी सिद्ध करना है। इसके लिए हम इसे तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए, इसके लिए इसे तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक एक की आच्छादक तथा समाकारिता सिद्ध करेंगे। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। हमें क्या करना है, एक बार दोबारा मैं ध्यान से देखना, रिपीट कर देता हूं, एफ ए क्या है मेरा, जी का एक क्रमचय आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक क्रमचय का समूह ले रहा हूं, ठीक है, इसमें सारे कैसे हैं, क्रमचय हैं। तो मैंने क्या किया, जितने भी क्रमचय हैं, ठीक है, या कुछ क्रमचय का मैंने एक समूह ले लिया, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, जी डैश नाम दे दिया, और एफ ए बिलोंग्स टू जी है। अब मैं एक मैपिंग फाई इस प्रकार से ले रहा हूं कि फाई ए बराबर मुझे क्या मिले, एफ ए मिले, ये मैंने एक मैपिंग डिफाइन की, ठीक है। अब मुझे फाई को कैसा दिखाना है, तुल्यकारी दिखाना है। तो फाई को तुल्यकारी दिखाने के लिए हम तीन चीजें प्रूफ करते हैं, ठीक है, मतलब आइसोमोरफिज्म दिखाना है। आइसोमोरफिज्म दिखाने के लिए हम तीन चीजें प्रूफ करते हैं, एक एक ही प्रूफ करते हैं, आच्छादक प्रूफ करते हैं, और साथ में समाकारिता प्रूफ करते हैं। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी होती है। सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगा एक एक ही। तो देखना, सबसे पहले आता है मेरा एक एक ही, ठीक है, यानी कि वन वन प्रूफ करना है इसको। वन वन प्रूफ करने के लिए मैं क्या लेकर चलूंगा, लेट, ठीक है, मैं लेकर चलूंगा ए बी बिलोंग्स टू जी डैश, इसके कोई दो एलिमेंट मैंने ले लिए, तो मैं लेकर चल रहा हूं फाई ए बराबर फाई बी। मुझे लाना क्या है, ए बराबर बी लेकर आना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, फाई ए बराबर फाई बी लेकर चल रहा हूं। तो इस फाई ए को मैंने क्या माना है, एफ ए माना है, बराबर इस फाई बी, यहां बी आ जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो यहां क्या आ गया, एफ बी। अब हमने स्टार्टिंग में एफ ए को किस प्रकार लिया था, एफ ए बराबर लिया था हमने ए स्टार एक्स लिया था, ये चीज याद होगी सभी स्टूडेंट को। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ ए, एफ ए को मैं क्या लिखूंगा, यहां से ए स्टार एक्स बराबर एफ बी को मैं क्या लिखूंगा, बी स्टार एक्स। ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को, यहां तक क्लियर है। तो आगे देखना, यहां से राइट कैंसिलेशन लॉ लगाऊंगा मैं, तो यहां से एक्स मेरा हट जाएगा, यानी कि क्या आया, ए बराबर
बी, तो मैं फाइव ए बराबर फाइव बी लेकर चला था, मुझे क्या मिला ए बराबर बी मिला, अतः मैं क्या कहूंगा ये कैसा है मेरा एक एक ही है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे मैं बढ़ता हूं, अब बात करता हूं आच्छादक की, ठीक है। आच्छादक की हम चर्चा करते हैं तो देखना, अब देखो जी में मेरे पास कितने अवयव हैं, एन अवयव हैं, तथा मेरे पास जी डेस में भी कितने अवयव हैं, एन अवयव हैं। तो देखना आच्छादक के लिए वही स्टेटमेंट पीछे वाला, सिंस जी में एन अवयव हैं तथा जी डेस में भी एन अवयव हैं, तथा जी डेस में भी कितने अवयव मेरे पास, एन अवयव हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तथा फाई जी से जी डेस पर एक एक ही है, अतः मैं क्या कहूंगा यह है आच्छादक भी होगा, अतः यह आच्छादक भी होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो दो नंबर भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब लास्ट में प्रूफ करता हूं समाकारिता, ठीक है। लास्ट में क्या प्रूफ करना है हमें, समाकारिता, यानी कि मैं फाई ए स्टार बी लेकर चलूंगा, ठीक है। मैं फाई ए स्टार बी लेकर चलूंगा, फाई ए डॉट फाई बी में लेकर आऊंगा। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। तो यहां से देखना, फाई ए स्टार बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ए स्टार बी, क्योंकि फाई ए बराबर मैंने क्या लिया था, एफ ए लिया था। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। अब मैं एफ ए स्टार बी को मैं क्या लिखूंगा, मैंने एफ ए बराबर लिखा था ए स्टार एक्स, मतलब इसकी एक्स के साथ मैंने संक्रिया करवाई थी, तो यहां इसके साथ मैं एक्स की संक्रिया करवा देता हूं, तो ए स्टार बी स्टार एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा, यहां आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं साचर्यता की प्रॉपर्टी इसमें लगा देता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्टार बी स्टार एक्स, कहां से लिखा, साचर्यता से, यानी कि एसोसिएटिव। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। आगे देखना, अब एक चीज देखो आप, मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको एफ ए बी स्टार एक्स। ये चीज समझ में आई होगी आप सभी को, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ये एक्स भी आता है यहां, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी कि यहां जो होता है वो इसके साथ संक्रिया करता है, और यहां जो होता है वो यहां आता है। ये चीज दिख रहा है आपको, इस फंक्शन का मतलब हमने क्या लिया था, एफ ए एक्स बराबर ए स्टार एक्स लिया था, मतलब ये वाला कहाँ आता है, यहाँ, और ये वाला कहाँ आता है, यहाँ। तो सबसे पहले हमने ए स्टार बी को क्या कैसे लिखा, ये वाला तो कहाँ आ गया, यहाँ, ये नीचे वाला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसी प्रकार जब मैंने इसको लिया इस प्रकार से, तो ये तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो एफ ए बी स्टार एक्स मैंने इसको लिख दिया। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। सिमिलरली अब एक चीज यहां से आपको और समझ में आ रही होगी, इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं एफ ए, ठीक है। अब देखो एक चीज देखना, सिंस एफ ए एक्स बराबर हमने लिखा था ए स्टार एक्स, तो एफ बी एक्स बराबर मैं क्या लिखूंगा, बी स्टार एक्स, मतलब यहां ए है तो यहां ए, यहां बी है तो यहां बी है। तो मैं इस बी स्टार एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, एफ बी एक्स लिख सकता हूं, तो एफ बी एक्स आ गया मेरा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये लाइन भी समझ में आई होगी, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, और यही चीज हमें दिखानी थी, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको एफ ए डॉट एफ बी एक्स, यानी कि फाई ए स्टार बी बराबर, तो फाई ए स्टार बी बराबर, यहां से मैं इसको एक्स हटा दूं, ठीक है, तो एक्स मैंने यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो मेरे पास बनेगा एफ ए एफ बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई ए, ठीक है। तो फाई ए स्टार बी बराबर फाई ए और फाई बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, अतः ये कैसा है, समाकारिता है, अतः ये कैसा है, समाकारिता है, समाकारिता है, तो मैं क्या कहूँगा ये कैसा है, तुल्यकारी भी है, अतः ये मेरा कैसा है, तुल्यकारी भी है। क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम अपनी रहती है, इसको केले थ्योरम हम बोलते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट होती है, या ऐसे मान सकते हो ये एग्जाम में रिपीट होती रहती है, और बहुत बार पूछी भी जाती है।
ये चीज़ सभी स्टूडेंट को क्लियर हुई होगी। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम ये है, इसीलिए इसमें सिर्फ यही एक क्लास में यही एक थ्योरम हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा मैं इस थ्योरम को थोड़ा सा स्पीड से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि एग्जैक्ट में इसमें मोटा मोटा है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखना, मैं क्या ले लेता हूँ, एक फाइनाइट ग्रुप ले लेता हूँ जी, ठीक है, एक फाइनाइट ग्रुप जी ले लेता हूँ, इसकी कोटि में एन ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जी में एन अवयव है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप की कोटि क्या होती है, ग्रुप के अवयवों की संख्या ही क्या होती है, उसकी कोटि होती है। क्लियर, सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ से देखना, अब मैं एक मैपिंग ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ सबसे पहले जी का, मैंने क्या किया, इस जी में से एक एलिमेंट उठा लिया ए, ठीक है। अब इस ए के संगत में एक मैपिंग ले रहा हूँ एफ ए जी से जी के ऊपर, जो किस प्रकार होगी, एफ ए एक्स बराबर ए स्टार एक्स, इस प्रकार से ये मैपिंग होगी। अब मुझे सबसे पहले क्या दिखाना है, इस एफ ए को मुझे क्रमचय दिखाना है। इस एफ ए को क्रमचय दिखाने के लिए मैं क्या दिखाऊंगा, कि ये जो मेरी मैपिंग है ये कैसी है, एक एक की आच्छादक है। मैंने बताया था कि कोई ग्रुप परम्यूटेशन कब होता है, क्रमचय कब होता है, जब वो मैपिंग कैसी हो, जी से जी डेस के ऊपर एक एक की आच्छादक हो। तो मैं इसको एक एक की आच्छादक दिखाने के लिए मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जी के कोई दो एलिमेंट है, तो मैं लेके चलता हूँ एफ ए एक्स बराबर एफ बी एफ ए वाई। अगर मैं एक्स बराबर वाई दिखा दूँ तो ये एक एक ही हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्टार एक्स बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्टार वाई, ठीक है। बाय राइट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए हट जाएगा, तो एक्स बराबर वाई, यानी कि ये कैसा हो गया, एक एक ही हो गया। अब आच्छादक तो ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि स्वयं से स्वयं पर परिभाषित है और एन ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है, और साथ में एक एक ही भी है, तो सारी कंडीशन यहाँ लग रही है, मतलब ये कैसा होगा, मेरा आच्छादक भी होगा। आच्छादक भी हो गया तो मैं क्या कहूँगा कि एफ ए मेरा कैसा है साहब, एक क्रमचय है, एफ ए मेरा कैसा है, एक क्रमचय है। ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, एक मैपिंग और लेता हूँ फाई, ठीक है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जी डेस, ठीक है, जी डेस में मैं ले रहा हूँ परम्यूटेशंस का समूह है, ठीक है, मतलब एफ ए जो क्या है, परम्यूटेशंस का समूह है। अब मैं एक मैपिंग और ले रहा हूँ फाई जी डेस, जी से जी डेस के ऊपर, ठीक है, जिसको मैं क्या ले रहा हूँ, किस प्रकार ले रहा हूँ, फाई ए बराबर क्या है मेरा, एफ ए है। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। सबसे पहले अब मुझे इस फाई को कैसे दिखाना है, तुल्यकारी दिखाना है, यानी कि आइसोमोर्फिक दिखाना है। इसको कैसा दिखाना है, तुल्यकारी यानी कि आइसोमोर्फिक दिखाना है, ठीक है। आइसोमोर्फिक दिखाने के लिए मैं इसकी तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा, एक एक की, फाई को एक एक ही दिखाऊंगा, आच्छादक दिखाऊंगा और समाकारिता दिखाऊंगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो एक एक ही दिखाने के लिए मैं क्या लेकर चलूंगा, फाई ए बराबर फाई बी लेकर चलूंगा, ठीक है। तो यहां से मुझे मिला ए स्टार एक्स बराबर बी स्टार एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, राइट कैंसिलेशन से, तो ए बराबर बी मतलब कैसा हो गया, आच्छादक हो गया, सॉरी एक एक ही हो गया। आच्छादक तो वैसे ही हो जाएगा, जी में भी एन अवयव है, जी डेस में भी एन अवयव है और साथ में एक एक ही भी है, तो कैसा होगा, आच्छादक भी होगा। और उसके बाद हमने क्या दिखाया था, इसको समाकारिता दिखाया था, जो लास्ट में हमने किया था। तो एक छोटी सी दो मिनट में हमने इस थ्योरम को एक बार दोबारा कवर किया है, कि आपको अच्छे से पूरी थ्योरम क्लियर हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूरी पूरी संभावना बनती है इसकी एग्जाम में पूछे जाने की। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और थ्योरम्स के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।